बिलासपुर के घुमारवी स्थित मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा अपना 17वां वार्षिक सांस्कृतिक एवं पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में घुमारवी से भाजपा के विधायक राजेंद्र गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जहां स्कूली बच्चों ने हिमाचली व पंजाबी सहित विभिन्न लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी, तो वहीं युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने व समाज में स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही सेफ गर्ल्स सहित अपने बुजुर्गों को सम्मान देने का भी संदेश दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी द्वारा अपना 17वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। स्कूल प्रबंधन व अध्यापकों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 450 छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियाँ पेश की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिनर्वा स्कूल घुमारवी के प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने की। वहीं घुमारवी से भाजपा के विधायक राजेंद्र गर्ग ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में मिनर्वा स्कूल के प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का स्वागत किया, तो साथ ही स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ी। स्कूली छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने जमकर सराहना की। साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों सहित बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में जगह पाने वाले छात्रों को भी मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मिनर्वा स्कूल के प्रधानाचार्य परवेश चंदेल ने बताया कि वार्षिक समारोह का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्रों के हुनर को निखारने का मौका मिलता है। हमारा जो कार्यक्रम था ये 9th क्लास लेके प्लस टू क्लास तक के बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम था, जिसमें एनुअल फंक्शन में हमारे बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। सबसे अलग सी जो चीज़ें थी वो पूरे हिमाचल के अलग अलग कल्चर्स को हमने इन एक्टिविटीज़ के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। और इस साथ साथ जैसे नशा निवारण हो गया, या हमारा जो आजकल गर्ल सेफ्टी के ऊपर और उनकी एजुकेशन के ऊपर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सा उजागर करते हुए हमने गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर भी अलग अलग एक्टिविटीज दी। तो एक अलग मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए हमने ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाई थी। इन एक्टिविटीज में लगभग 450 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और हमारी ये कोशिश रही कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए, ताकि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि कल को अगर जब किसी भी मंच पे वो चले जाएं, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो हमारा आज का ये कार्यक्रम खास इस तरह से भी था कि हमारे जो पिछले प्लस टू क्लास के 6 बच्चे मेरिट में रहे थे, और सबसे अच्छी बात उसमें क्या थी कि हमारा प्लस टू का इस बार का स्टेट का टॉपर भी हमारे स्कूल का बच्चा था, तो उन बच्चों को भी हमने यहाँ पे बुलाया था। और साथ ही साथ 10th क्लास के हमारे 3 बच्चे जो बोर्ड मेट में रहे थे, उनको भी आज हमने यहाँ पे बुलाया था और उनको सम्मानित किया। इसके वहीं विधायक राजेंद्र गर्ग ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मिनर्वा स्कूल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने स्कूली छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़कर शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्कूल प्रबंधन को बधाई भी दी। जहाँ बच्चों को अपने प्रतिभा दिखाने का एक अवसर मिलता है, वहीं अभिभावकों को भी ये यहाँ आकर प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो यहाँ किस प्रकार से कितने एक्टिविटी जो हमारे यहाँ होती है उसमें किस प्रकार से भाग लेते हैं, और उनके बारे में वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसका भी एक चित्र जो है बच्चे के बारे में अध्यापकों और अभिभावकों के बीच में बनता है। और निश्चित रूप से एक फेस्टिवल से कम यह उत्सव नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का,
और बहुत ही उत्साहपूर्वक जिस प्रकार आज यहाँ बच्चों ने भाग लिया। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।